हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, पिक्सार से फोटो एडिट करने पर उसकी क्लैरिटी जो है कम हो जाती है या फिर यूं कहें कि फट जाती है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन देने वाला हूं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को देखते रहिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड गाइस बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मेरे पास ये एक फ़ोटो है जस्ट एग्ज़ाम्पल के लिए। एंड गाइस, मैं आप लोग को इस फ़ोटो की डिटेल्स दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये फ़ोटो जो है सिर्फ 140 KB की है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, इस फ़ोटो को एकदम से HD में सेव करेंगे, MB में, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसके लिए हम जाएंगे पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर फिर से, ठीक है। देन गाइस क्या करेंगे, यहाँ से आप नीचे देख सकते हैं प्रोफाइल का एक आइकन बना हुआ, उस पर क्लिक करेंगे। देन गाइस सेटिंग ऊपर देख सकते हैं, सेटिंग का आइकन बना हुआ, उस पर क्लिक कर लेंगे। देन गाइज मैक्स इमेज साइज जहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते हैं, उस पर एक बार टैप करेंगे सिंपली। एंड गाइज यहाँ से 8 MP चूज़ करके ओके कर लेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, सिंपली हम यहाँ से क्या करेंगे, प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे, देन एडिट पे क्लिक करेंगे। एंड गाइज इस वाले फ़ोटो को चूज़ कर लेंगे, ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। देन गाइज क्या करेंगे, टूल्स पे क्लिक करेंगे। एंड गाइज यहाँ से रीसाइज पे क्लिक करेंगे। एंड गाइज आपको यहाँ पे सिंपली एक बड़ा सा डिजिट भर देना है, ठीक है, जैसे कुछ भी भर देना बड़ा सा डिजिट, ठीक है। जैसे कि मैं 5000 लिख के यहाँ पे रिसाइज करता हूँ। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक नंबर दिखाई देगा, बोलेगा कि इसको रिसाइज करने के लिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हम इस नंबर को यहाँ पे फिल कर देते हैं, 2736 एंड रिसाइज कर लेंगे, ठीक है। देन गाइज क्या करेंगे, यहाँ से ड्रॉ टूल पे जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ड्रॉ टूल ओपन कर लेने के बाद सिंपली हम इरेजर पे क्लिक करेंगे। एंड गाइज इरेजर की साइज को सेट कर लेंगे कुछ तरीके से, एंड सेट पे क्लिक कर देंगे। देन गाइज क्या करेंगे, इसे पूरा जूम कर लेंगे, पूरा जूम करेंगे, ठीक है। एंड गाइज लेयर पैनल को ओपन करेंगे, ठीक है। एंड गाइज जो हमारी फ़ोटो है उसे चूज़ कर लेंगे फ़ोटो को, ठीक है। एंड फ़ोटो पर कट मार्क लगाएंगे कुछ इस तरीके, फ़ोटो पर लगाना है, याद रखना, ठीक है, फ़ोटो पर ही कट मार्क लगाना है। एंड गाइज यहाँ से हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे गैलरी के अंदर। सो फ्रेंड्स, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस फ़ोटो की क्लैरिटी पहले से और इसमें क्या फ़र्क है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, ये वो फ़ोटो है जो मैंने पिक्सार्ट से अभी अभी सेव की है गैलरी के अंदर। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, ये फ़ोटो जो है 4.2 MB की हो चुकी है, जो कि ये पहले थी कुछ 140 KB की। आई होप फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।